हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एमटीएस एग्जाम आपने क्वालिफाई कर दिया है, अभी आपका रिजल्ट भी आ गया, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो गया हो, अभी आप डिपार्टमेंट एलोकेशन आना बाकी हो कि आपका किस डिपार्टमेंट में हुआ है, या अगर आप तैयारी करना शुरू किया, आप प्रिपरेशन करो, पेपर देने वाले कुछ भी किया है आपने, इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है एमटीएस में जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, जिसमें आप एज एमटीएस काम करोगे, कितने डिपार्टमेंट होते हैं उनके, और ये भी बताऊंगा कि सबसे ज्यादा जो रिक्रूटमेंट होती है वो किन डिपार्टमेंट में होती है। डिपार्टमेंट तो काफी होते हैं, लगभग 20-25 डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, 20 डिपार्टमेंट में इसमें बताने वाला हूँ, दो चार एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ जो सबसे ज्यादा रिक्रूट किए जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो डिपार्टमेंट कौन से होते हैं। वो तीन चार डिपार्टमेंट होते हैं सिर्फ, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, वन बाई वन बताऊंगा, फिर बड़े बड़े डिपार्टमेंट बताऊंगा कि सबसे ज्यादा कितना किया जाता है और कितना रेशियो रहता है। देखो, सबसे पहले अगर मैं डिपार्टमेंट की बात कर लूँ तो एक डिपार्टमेंट होता है एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट होता है एटोमिक एनर्जी, तीसरा डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, चौथा डिपार्टमेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सीजीएचएस बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है, ठीक है, मतलब ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस अगर आपको और डिपार्टमेंट में 31,000 सैलरी मिलेगी तो इसमें 3-4 हज़ार रुपये ज्यादा मिलता है, मतलब कुछ अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलता है इस डिपार्टमेंट में। उसके बाद आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट, सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसके बाद सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, उसके बाद आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इंडियन मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका एनडीआरएफ, ठीक है, उसके बाद डिजास्टर रिस्क, नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कुछ रिस्क रिडक्शन फोर्स करके कुछ होता है इसका, उसके बाद है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, उसके बाद है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी डिपार्टमेंट, उसके बाद है मेरे भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो भी शायद पहले बता चुका हूँ मैं, उसके बाद है प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट, इसमें एयरफोर्स का भी होता है, नेवी का भी होता है और आर्मी का भी होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन डिपार्टमेंट में वैकेंसी कितनी, मतलब जैसे कि कितने कितने सिलेक्ट होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक रेशियो बताता हूँ कि लास्ट ईयर कितने, जैसे इतने इसमें हुए थे, इतने उसमें हुए थे, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में 4 लोग सिलेक्ट हुए थे, वहीं पर एटॉमिक एनर्जी में 810 लोग सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में सिर्फ 2 लोग हुए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम स्कीम में 5 लोग, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट में सिर्फ एक एक लोग सिलेक्ट हुए थे, उसके बाद सीपीडब्ल्यूडी में आपके 35 लोग सिलेक्ट हुए थे, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में आपके 16 लोग सिलेक्ट हुए थे वहीं पर, और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट में 12 लोग सिलेक्ट हुए थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग में 6 लोग सिलेक्ट हुए थे, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में 1 लोग सिलेक्ट हुए थे, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया में 2 लोग सिलेक्ट हुए थे, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में सिर्फ 1 लोग सिलेक्ट हुए थे, वहीं पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में 10 लोग सिलेक्ट हुए थे, एनडीआरएफ में 4 लोग सिलेक्ट हुए थे, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज में 5 लोग सिलेक्ट हुए, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी डिपार्टमेंट में 7 लोग सिलेक्ट हुए थे, और आपके इनकम टैक्स में 700 लोग सिलेक्ट हुए थे, और वहीं पर प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट में लगभग 60 लोग सिलेक्ट हुए थे, 63 लोग सिलेक्ट हुए थे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम डिपार्टमेंट है जो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होती है, एक तो इनकम टैक्स में होती है आपकी, ठीक है, एक सीपीडब्ल्यूडी में, तब भी उतनी नहीं होती सीपीडब्ल्यूडी में, इनकम टैक्स में सबसे ज्यादा होते हैं, और आपके एटॉमिक एनर्जी में यहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं, कुछ आप सीपीडब्ल्यूडी में देख सकते हैं और कुछ प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट में देख सकते हैं, मतलब डिफेंस में ज्यादा होते हैं एज एमटीएस रिक्रूट। तो बेसिकली ये 4 डिपार्टमेंट हैं आपके, एटॉमिक एनर्जी, सीपीडब्ल्यूडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स और प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट, जो कि बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, सबसे ज्यादा यहाँ पर रिक्रूट किए जाते हैं। इनकम टैक्स सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जहाँ पर एज एमटीएस आपका सिलेक्शन होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।